क्वेश्चन नंबर 25। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। पार्टिसिपेंट दिए हुए हमें हिंदी सेमिनार के लिए कितने लोग हैं 60 और मैथ्स के लिए वहाँ पर हैं हमारे पास 108 और इंग्लिश के लिए भी दिए हुए हैं ये हैं 84। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सिटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखो जो हमारा सिंपल सा रूल हमने बनाया था कि अगर हमारे पास हम कभी भी SCF निकालते हैं, SCF, ठीक है ना, तो वो जो दो नंबर होते हैं A और B जिनका ये SCF निकाला जा रहा है उनसे ये जो SCF होता है वो या तो स्मॉल होता है या इक्वल होता है, स्मॉल होगा या इक्वल होगा, है ना, यही पढ़ा था। और LCM अगर हम निकालते हैं तो वो जो LCM होता है वो इन दोनों नंबर से कैसा होता है, बड़ा, ग्रेटर आएगा ऑलवेज, ठीक है, तो या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, या तो ग्रेटर या इक्वल, ठीक है। तो HCF और LCM में हमने एक चीज़ देखी है कि अगर हमें कभी भी स्मॉल नंबर चाहिए हो, क्या करना हो, स्मॉल नंबर, ठीक है ना, किसी चीज़ को डिवाइड करना हो तभी तो स्मॉल नंबर आएगा। तो अगर हमें कभी कभी किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े तो हमें उसका HCF निकालना चाहिए या LCM निकालना चाहिए। फिर से सुनो, मेरे पास 100 कॉइन है, मुझे क्या करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो सबके पास, ईच जो पर्सन है उनके पास 100 से कम आएंगे या 100 से ज़्यादा आ सकता है, कम ही आएगा अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो अगर कम आने वाला है तो कम का आंसर कौन सा वाला होता है, HCF वाला या LCM वाला, HCF वाला। तो इसका मतलब कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें आपको चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो ऑलवेज उस क्वेश्चन में क्या निकाला जाएगा, HCF, ये बात ध्यान रखना। तो हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें सब में डिस्ट्रीब्यूशन की बातें होंगी। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुछ पर्सन दिए हुए हैं 60, 108 और 84, इनको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग रूम में, ठीक है, सच दैट कि जितने भी रूम हैं उनमें सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठे हों। और एक रूम में जो पार्टिसिपेंट होगा वो एक ही प्रोजेक्ट वाला होगा। इसका मतलब ये है कि एक रूम में अगर हिंदी वाले हैं तो सबके सब हिंदी वाले होंगे, अगर मैथ्स वाले हैं तो सबके सब मैथ्स वाले होंगे, इस तरह से करना है, ठीक है। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमें ये तो पता चल गया कि HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो HCF निकाल लो पहले, इन जितने भी नंबर हैं हमारे पास 60, 84 और 108, ठीक है, इनका HCF निकालने का तरीका क्या होगा, पहले 60 के फैक्टर करा लो, क्या आएंगे 30, फिर इसके बाद 15, इसके बाद 3 से और ये, ठीक है, क्या बनेगा 2 की पावर 2 × 3 × 5। इसके बाद 84 के फैक्टर करा लो, 84 के फैक्टर क्या आएंगे 2 से करते जाओ, इसके बाद 3 से कर लो और इसके बाद 7 से, ठीक है, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 की पावर 2 × 3 × 7 और इसके बाद 108 के फैक्टर, 108 के फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ पर 54 आएगा, इसके बाद 2 और 7, इसके बाद 3, 9, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है ना। तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3, ये इनके हमने क्या बना लिए, प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब इनका हमें क्या निकालना है, HCF, ठीक है, HCF निकालो। तो HCF निकालने का तरीका यह है कि जो नंबर कॉमन होंगे सिर्फ वही लिए जाएंगे और उनकी लोएस्ट पावर ली जाएंगी। तो 2 इन तीनों में आ रहा है और इनकी लोएस्ट पावर, क्योंकि सेम है पावर इसलिए कोई सा भी ले सकते हैं, तो 2 की पावर 2 × तीनों में 3 आ रहा है और लोएस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 1, तो ये ले लेंगे। और 5 और 7 तीनों में कॉमन नहीं है तो इनकी बात नहीं करेंगे। तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 4 × 3 कितना, 12, ठीक, ये आ गया HCF। इसका मतलब ये है कि आप एक रूम में कितने पर्सन बिठाने वाले हैं, 12, ठीक है। तो ये जो टोटल है 60, 84 और 108, इनमें से 12 12 के आप
ग्रुप डिवाइड करने वाले हो, ठीक है, ये बात आ गई समझ में? अच्छा, और कितने रूम चाहिए अगर 12 12 के हिसाब से अगर इनको करोगे तो कितने रूम चाहिए होंगे, कैसे पता करोगे? तो आंसर है जितने पर्सन हैं उनको एक रूम में जितने पर्सन हैं उनसे क्या कर दो, डिवाइड, तो हमें ये पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ रूम चाहिए होंगे, ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 60, 84 और 108, इनको ऐड कर लो, ठीक है? ये कितना बनेगा, इनको ऐड करा लो, टू फिफ्टी, ठीक है, 252 बना। अब 252 को किससे डिवाइड करा लो, 12 से, है ना? वन रूम में कितने 12 लोग हैं ना, तो 12 से डिवाइड करा लो तो नंबर ऑफ रूम निकल जाएंगे। नंबर ऑफ रूम कैसे निकालेंगे, टोटल पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन इन वन रूम, ठीक है? टोटल पर्सन है हमारे पास कितने, 252, और वन रूम में कितने पर्सन आए थे हमारे पास, 12, 12 से इसको डिवाइड करा दो तो ये कितना आ जाएगा, 21। तो नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए, 21, ठीक है? तो फिर से कैसा क्वेश्चन था ये, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए थे, बहुत सारे लोग हैं, इन सबको ऐड कर लो, कितने लोग हैं टोटल हमारे पास, 252। 252 पर्सन को हमें क्या करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है, अलग अलग रूम में रखना है उनको, सच दैट कि क्या होना चाहिए, एक रूम में नंबर ऑफ पर्सन जितने हैं उतने ही सारे रूम में होने चाहिए, यानी सेम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, 252 ये जो नंबर है इसको डिवाइड कराना है आपको, ठीक है ना? तो डिवाइड कराने के लिए हमने क्या किया, ये जितने भी नंबर थे इनका क्या कर लिया, एचसीएफ निकाल लिया। तो ये एचसीएफ क्या आ गया बताओ, एचसीएफ आ गया मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम डिवाइजर जो आता है आपका, है ना, मैक्सिमम डिवाइजर जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, तो वो कौन सा रहेगा, 12। आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, तभी तो आपके पास मिनिमम रूम आएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालेंगे, जो हाइएस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, और हाइएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, एचसीएफ, ठीक है ना? तो ये पता चल गया आपको कि एक रूम में 12 लोग होंगे, फिर एक रूम के जितने पर्सन थे उनसे टोटल को डिवाइड कर दिया तो आपको टोटल नंबर ऑफ रूम पता चल गए, 21, ठीक है ना? अब जैसा ये क्वेश्चन है सिमिलरली इसी तरह के सारे क्वेश्चन है आगे, ठीक है ना? 25 की तरह ही है, देखो 26 भी। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, थ्री सेट ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक कंटेन 336, 240 एंड 96 बुक, ठीक है? हमारे पास इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश, और किसकी बुक है, मैथ्स और साइंस, इन तीनों की बुक का नंबर हमें दिया हुआ है, कितना कितना है, 336, 240 एंड 96, ठीक है? रेस्पेक्टिवली हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, हाउ मैनी स्टैक विल बी देयर? तो क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर ऑफ बुक दी हुई है हमें, इन नंबर ऑफ बुक को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टैक बनाने हैं, है ना? इस तरह से, जैसे ये एक बुक है ना, और ये एक बुक है, इन दोनों बुक को क्या करोगे, किस तरह से स्टैक बनाते जाने हैं, एक जैसी जो मैथ्स की बुक है वो इस तरह से स्टैक बनाओगे, ठीक है ना? लेकिन सच दैट कि जितने भी स्टैक बनाए जाएंगे वो सब इक्वल हाइट के होने चाहिए, ठीक है ना? इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एक स्टैक में जितनी नंबर ऑफ बुक होंगी उतनी ही सारे स्टैक में होंगी, तो सेम में डिवाइड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, ठीक है ना? अच्छा, तो चलो एचसीएफ निकाल लो इसका, 336, 240 और 96। देखो जब आप एचसीएफ निकालते हो तो क्या निकल कर आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, हाईएस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, और कॉमन वर्ड आ रहा है यानी कि सेम हो गया, और हाईएस्ट नंबर मैक्सिमम नंबर जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वल, ठीक है ना?
तो HCF इनका सबका निकाल लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कराने होंगे। 336 के फैक्टर कराओ पहले, क्या बनेगा बोलिए, 2 से 1, 6 और 8, इसके बाद फिर से कराओ 8 और 4, इसके बाद फिर करा दो 4, 2, फिर से 2, 1, इसके बाद 3 से और इसके बाद 7 से, ठीक है। फिर हमें किसके फैक्टर कराने होंगे, 240 के, 240 के फैक्टर क्या होंगे, 120, फिर कराओगे तो कितना आएगा 60, फिर उसको डिवाइड कराओगे 2 से 30, इसके बाद 15, फिर इसके बाद 3 से और 5 से, फिर इसके बाद 96 की चाहिए, 96 के फैक्टर 2, 4 जा 8 और यहाँ पर 8, ठीक है। फिर से करा दो 2, 4, फिर से 12, 6, 3, 1, ओके। तो ये फैक्टर हैं हमारे पास, तो इनको नोट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2 की पावर 4 और 3 × 7, 240 के फैक्टर क्या आए, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 × 3 × 5, 96 के फैक्टर कितने आए, 2 की पावर 5, ठीक है ना, और इंटू में क्या 3, ठीक है। HCF के लिए जो तीनों में कॉमन हो वही नंबर लिया जाएगा सिर्फ, और उसकी लोएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 4, 3 की लोएस्ट पावर 1 ही है, 3 की पावर 1, और बाकी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है। तो ये बना हमारे पास, तो ये कितना बन गया, 48, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि जो ये बुक्स हैं इनको कितने कितने स्टैक में, कितनी कितनी हाइट में बनाया जाएगा, एक स्टैक में कितनी बुक रखोगे आप, 48, ठीक है, ऐसे 48 के स्टैक बनाओगे, कितने स्टैक बनेंगे, तो आंसर है पहले इनको टोटल कर लो, जितनी बुक्स हैं टोटल कर लो, और एक स्टैक में कितनी है 48 से उस टोटल को क्या कर दो, डिवाइड, तो नंबर ऑफ स्टैक पता चल जाएंगे कितने बनेंगे, ठीक है ना। तो पहले टोटल करा कर बताओ मुझे कितना बनेगा, टोटल बुक्स, ठीक है, ये बन गया। अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स को डिवाइड करा देते हैं नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक से, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टैक पता चल जाएंगे कितना, 672 टोटल नंबर ऑफ बुक्स को डिवाइड करा दो बुक इन वन स्टैक, 48 से इसको डिवाइड कराओगे तो कितना, 14, ठीक है, ये बन जाएगा इसका आंसर। तो आसान है ये करना बिल्कुल, ये सबको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है कि हमारे पास 100 लोग हैं उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, तो आंसर है कि हमारे पास कुछ ग्रुप नंबर दिए हुए हैं उनका अगर हम HCF निकाल दें तो मतलब हम ये निकाल देते हैं कि हाइएस्ट कॉमन तीनों मतलब सब में सेम भी हो और हाइएस्ट डिवाइजर हो यानी मैक्सिमम नंबर भी हो, तो मैक्सिमम नंबर और सब में कैसा हो वो सेम हो, ये निकल कर आ जाता है यहाँ से। और फिर एक में जितना है उससे अगर टोटल को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टैक हैं, नंबर ऑफ रूम हैं, ये सब निकलते चले जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन और मिलेगा, देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया बेटे, 27, ठीक है। 3 पीस ऑफ टिम्बर 42 मीटर, एक 42 मीटर का है, ठीक है, एक 49 मीटर का और एक 63 मीटर लॉन्ग हैव टू डिवाइडेड। अब डिवाइडेड वर्ड आ गया तो आपके साथ आपको तुरंत ही समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूट करना यानी क्या निकालना है, HCF। मेन जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का वो ये कि हमें क्वेश्चन को देख के कैसे पता चलेगा कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है, तो बस बिल्कुल उसका मैंने सिंपल सा तरीका बता दिया कि अगर क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय आ जाए, क्योंकि ये नंबर हैं, है ना, और ये डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, है ना, तो इसका मतलब यानी कि बड़ा नंबर निकालना है हमें, अगर बड़ा नंबर निकालना है तो इसका मतलब LCM, ठीक है, और कभी भी छोटा नंबर निकालना है तो क्या करना है, HCF। इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम है उनमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर आ जाता है तो क्या निकालना है, HCF, ठीक है ना, ये बात आ रही है समझ में। तो इसमें भी वही सेम चीज़ हो रही है कि आपके पास वुडन पीस हैं ऐसे,
कितने कितने मीटर के, इतने मीटर, इतना मीटर और इतने मीटर के वुडन के पीस हैं। अब आपको क्या करना है, उनको इक्वल इक्वल लेंथ में डिवाइड करना है, यही बोला है इसने। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, आपको प्लैंक बनाने हैं उनके, ठीक है ना, इतने चौकोर वाले प्लैंक बना बना कर देने हैं। तो कैसे बनाओगे, इक्वल बन जाए, है ना, तो कैसे बनाओगे, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल लो इन सब का, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले इसका फैक्टर करा लो, क्या आएगा 42 के फैक्टर, तो आंसर है 2 × 3 × 7। 49 के फैक्टर क्या होंगे, 7 × 7, और 63 के 3 × 3 × 7, ठीक है। अगर इनमें से कॉमन निकालें तो क्या कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है ना, ठीक है, 7 कॉमन आ गया। तो ये क्या निकल कर आ गया, ये नंबर ऑफ प्लैंक निकल कर आ गए, ठीक है ना, एक में। और भी पूछा है कुछ, हाउ मैनी प्लैंक्स आर फॉर्म, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, ये एक प्लैंक की लेंथ निकल कर आ गई। एक प्लैंक कितने मीटर का होगा, 7 मीटर का। ऐसे कितने प्लैंक आप बना पाओगे, तो आंसर है जो टोटल मीटर है ना, उनको एक प्लैंक की जो भी लेंथ है उससे क्या कर दो, डिवाइड। तो ये टोटल लेंथ बताओ मुझे कितनी है, पहले तो टोटल टिम्बर की जो लेंथ है कितनी, 124 आ रहा है, 54, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, नंबर ऑफ प्लैंक निकालने के लिए, नंबर ऑफ प्लैंक इक्वल होगा टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ वन प्लैंक, कितनी है, 7, ठीक है, इससे डिवाइड कराओ कितना बनेगा, 22, यानी कि इतने नंबर ऑफ प्लैंक वहां पर रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये समझ आ गया कैसे करना है। तो देखिए इसमें जो लेंथ हमें गिवन है वो है 7 मीटर का है एक लेंथ, और एक जो लेंथ है वो 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो ये कितना बनेगा बताओ, 3 मीटर को सेंटीमीटर चेंज करोगे तो इंटू 100 कराओगे तो 300 ये और 85 ये, तो कितना बन गया ये, 385 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी 7 मीटर है तो सेंटीमीटर में कितना होगा ये, 700 सेंटीमीटर, यूनिट एक जैसी बना दो इनकी। और फिर ये इसकी लेंथ हमें कितनी दी गई बने, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो ये कितना बन जाएगा, 1200 और प्लस 95, ये कितना हो जाएगा, 1295 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है कि इन लेंथ से, ये आपके पास सपोज करो इस तरह के पीस हैं, जैसे ये है ना, ये एक लेंथ गिवन है 700 सेंटीमीटर की, ऐसे एक दूसरा पीस आपको मिला 385 का, एक तीसरा पीस, तो आपके पास 3 पीस रखे हुए हैं। अब क्या करना है, आपको वहाँ पर देखकर बिना कुछ किए, बिना कैलकुलेशन किए हुए सिर्फ ये देखना है कि हमें, हम इन सबको कट करने जा रहे हैं सच दैट कि इन सबके कैसे कैसे पीस बन जाएं, इक्वल पीस कैसे बन जाएं, इक्वल और मैक्सिमम भी बन जाएं, मैक्सिमम लेंथ वाले भी बन जाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इनकी जो लेंथ है उनका क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जब हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर कौन सा आंसर होगा, तो आंसर है कि वो आंसर बनेगा जो कि मैक्सिमम लेंथ भी होगा और इक्वल लेंथ भी देगा। समझ में आ रहा है, अगर मैं तीनों लेंथ को इक्वल इक्वल ऐसे साइड में रख दूँ इस तरह से, ठीक है ना, फिर आप कट करोगे तो कट करने पर जो मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल बनेगी वो कौन सा वाला आंसर होगा, एचसीएफ का आंसर, ठीक है ना। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालो क्या बनेगा, 700 और 385 और क्या है, 1295, इनका एचसीएफ निकालो पहले। कैसे निकालोगे, पहले 700 के फैक्टर करा लो, क्या बनेंगे, 2 से कराओ इसको, 2 × 3 = 6 और फिर 5 और 0, फिर कराओ 2 से 1 = 7 और ये आ जाएगा 5, फिर इसके बाद 3 से हो जाएगा क्या, नहीं 5 से कराओ, 5 × 3 = 15 और ये बनेगा हमारे पास 5।
ठीक है ना, फिर इसके बाद 5 से करा दो, उसके बाद 7 से, यही बन रहे हैं फैक्टर इसके। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, 385 के फैक्टर कराओ। 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या ये? नहीं, 5 से करा दें, 5 7 जा और फिर से 5 7 जा आ जाएगा, फिर 7 से करा लो, फिर इसके बाद 11 से, 5 इंटू 7 इंटू 11, फिर 1295 से कराओ। 3 से हो जाएगा क्या? नहीं, 5 से हो जाएगा, 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9। अब ये किससे डिवाइड होगा? 259, ये किससे डिवाइड होगा? 7 से हो जाएगा क्या? यहाँ कितना बनेगा? 21 आएगा, 49, ठीक है ना, तो 7 3 जा 21, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो फिर 7 7 जा 49, फिर हमारे पास 37 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 इंटू 7 इंटू में क्या? 37। अब इसका SCF निकाल लो, तीनों में कॉमन चीज़ क्या दिखाई दे रही है? एक तो 5 कॉमन दिखाई दे रहा है और तीनों में क्या कॉमन है? 7। तो कितना बनेगा ये? 35, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो एक लेंथ है, जो मैक्सिमम लेंथ कट कर सकते हो इन तीनों पीस में से, सच दैट कि इक्वल पीस बन जाए सारे, वो कितने की होगी? 35 सेंटीमीटर की, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। और तो कुछ नहीं पूछा, बस यही ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कितनी होगी? 35 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग होम 1001 पेन एंड 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये तो टर्म ही उसने दे दिया, जब ये वर्ड दिखाई दिया डिस्ट्रीब्यूट, तो हमें समझ आ गया क्या निकालना है, SCF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, दो नंबर हैं, एक तो पेन है 1001 पेन, और दूसरी चीज क्या है? पेंसिल्स, ठीक है, 910, ठीक है, 910। SCF निकालो इनका, SCF निकालना है, तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल, ठीक है। तो इतने पेन और पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो एक स्टूडेंट के पास कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन या पेंसिल आ सकते हैं, सच दैट कि जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं उनको सबको सेम नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल मिले, तो इसके लिए क्या निकालना होगा? SCF, ठीक है। तो इसके हमें पहले कराने हैं प्राइम फैक्टर, किससे डिवाइड होगा ये? देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से करके देखो इसको, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो रहा, तो 5 से भी नहीं होगा, इसके बाद 7 से नहीं हो रहा, ठीक है, 11 से करके देख लो, 11 9 जा 99, 1 बचा 11, 1 जा 11, ठीक है, फिर 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा, और इसका मतलब कि 7 से हो जाता, हमने ध्यान नहीं दिया, 7 से हो जाता, और 13 1, ठीक है। चलिए, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, फैक्टराइजेशन लेकिन ये यूनिक रहेगा, तो 7 इंटू 11 इंटू 13, ओके। इसके बाद 910, 2 से कितना? 4, और यहाँ आ जाएगा 5 और 5, ठीक है। 3 से डिवाइड कराओ, 3 से हो जाएगा? नहीं होगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद 7 से और फिर 13 से, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, SCF निकालो, क्या क्या कॉमन आ रहा है? 7 आ रहा है और 13 आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, तो कितना बनेगा? 91। तो इसका मतलब ये है कि ईच स्टूडेंट को 91 पेन एंड पेंसिल मिल सकते हैं, ठीक है ना, तो ये होगा इस तरह से, ठीक है। फिर से क्वेश्चन क्या था, इतने पेन और इतने पेंसिल हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स में, तो आपको एक स्टूडेंट को कितने मैक्सिमम पेन और पेंसिल मिल सकते हैं, सच दैट कि सबको सेम नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल मिले, ये निकालना था। तो इसके लिए हमने क्या निकाल लिया? हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर,
जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, दैट इज 91। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है, लेंथ और ब्रेड दी हुई है रूम की, तो वो लिख लेता हूँ। देखिए ये रूम का साइज है, क्या क्या है बेटे, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ठीक है, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना इसका ब्रॉड है। तो लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम साइज की टाइल जो यहाँ पर लगा सकते हो, तो वो कैसे निकालोगे, पहले तो इसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो ये 1500 बनेगा और प्लस 17, ये कितना बन जाएगा 1575, इतना सेंटीमीटर। ये 900 और 2, तो 902 सेंटीमीटर। देखो रूम की तो ये लेंथ हमें गिवन है, अब इन दोनों नंबर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट कराना है सच दैट यहाँ पर हमें क्या लगानी है, टाइल्स, ठीक है। तो हमें इन दोनों नंबर्स, इस इतने एरिया को तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है ना, इतने एरिया को टाइल से डिवाइड करना है। तो कितने एरिया की टाइल यहाँ पर मैक्सिमम बन सकती है वो आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, HCF। क्या निकालोगे, HCF। तो 902 है एक नंबर आपके पास और दूसरा है 1517, ठीक है। तो निकालो कैसे बनेगा, 902 के फैक्टर क्या बनेंगे, 902 इसके फैक्टर आएंगे, 2 से डिवाइड करा लो, 451। 11 से कितने टाइम, 11 4 जा 44 और 11 बन जा 11, ठीक है, फिर 41 से ये वन टाइम, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे 2 × 11 × 41, ठीक है, 1517 के निकालो। तो ये हमने ट्रायल एंड एरर से करके देखा है, ये 2 से स्टार्ट करते गए हम, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जब आप चेक करोगे तो ये डायरेक्टली आपको 37 पर मिलेगा, ठीक है ना। और 37 तक चेक करना बहुत ही पेशेंस वाला काम है, 37 से इसको डिवाइड करवाओगे तो ये 41 पर जाएगा और फिर 41 से ये 1, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, 37 × 41, और HCF कितना आएगा, 41। ये 41 हमारे पास क्या आ गया, सेंटीमीटर। तो जो टाइल हमें लगानी है उस टाइल की ये लेंथ निकल कर आ गई हमारे पास, ठीक। अब क्योंकि स्क्वायर टाइल है इसलिए स्क्वायर टाइल की जितनी भी लेंथ और ब्रेड्थ होंगी वो सब कुछ सेम होंगी, तो ये 41 है तो ये भी क्या होगा, 41, ठीक है। अब हमें निकालनी है कितनी नंबर ऑफ टाइल यहाँ पर ऐसी लगाई जा सकती हैं, तो हमें क्या करना होगा, इस रूम के एरिया को एक टाइल के एरिया से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो क्या निकल कर आ जाएंगी, नंबर ऑफ टाइल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल इक्वल होंगी एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम कैसे निकालोगे, 1517 × 902, ये तो रूम का एरिया है, और एक टाइल का एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर टाइल है ना, साइड का स्क्वायर यानी 41 का स्क्वायर, या उसको लिख सकते हो क्या, 41 × 41। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएंगी, नंबर ऑफ टाइल कितनी बन रही है, ये 814, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये समझ आया। तो देखो जब भी आप दो नंबर का HCF निकालते हो, ठीक है ना, तो अगर वो दोनों नंबर सेंटीमीटर में हैं तो आपका जो HCF का आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में, ठीक। फिर आपके पास जो स्क्वायर टाइल्स थी उसकी आपको साइड पता चल गई इससे, अब साइड पता है तो क्या निकाल सकते हो, उसका एरिया। तो रूम के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ टाइल पता चल जाएंगी यहाँ पर कितनी लगेंगी, उसका आंसर कितना है, 814। 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट कैन बी मेजर्ड एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड्स।
एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 2 की पावर 6 इंटू, और क्या लोगे 5, और इंटू में क्या 3। अब ये 960 कौन सा आंसर होता, कि ये वो आंसर होता कि इससे ज्यादा मेजर नहीं किया जा सकता। अगर एटलीस्ट आया तो कौन सा आंसर आया, ये कि ये तो मेजर कर ही सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि ये मिनिमम मेजरमेंट है क्लॉथ का, ठीक है ना, इस तरह से करोगे इसको। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, अनदर डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड, दे बीप टुगेदर एट 10 AM, एट वॉट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। अब सुनो, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है उसको देख लो, टुगेदर, क्या आ रहा है टुगेदर। अब जब भी टुगेदर वर्ड आएगा तो आपके माइंड में एक ही चीज आएगी, टुगेदर जब भी वर्ड आया तो इसका मतलब कई सारे नंबर लिखे हुए, जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं, ये सारे नंबर टुगेदर मिलकर किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, एलसीएम को या एससीएफ को, एलसीएम को। तो जब भी टुगेदर वर्ड आएगा तो आप ये सोच लोगे कि जो नंबर मेरे सामने हैं वो टुगेदर मिलकर अगर करेंगे तो कौन से नंबर को डिवाइड कर पाएंगे, तो ऑलवेज आंसर क्या होगा, एलसीएम, ठीक है ना। अगर डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आ जाता है तो ऑलवेज क्या निकालना होगा, कुछ टर्म बना लो। देखो डिस्ट्रीब्यूट आएगा तो एससीएफ, लीस्ट वर्ड आ गया तो एलसीएम, ठीक है, टुगेदर वर्ड आ गया तो एलसीएम, ठीक है ना, इस तरह से करना है। तो इसका टुगेदर वर्ड आया तो आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या क्या कितने कितने सेकंड है, 60 सेकंड और दूसरा क्या है 62 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड और 62 सेकंड, इनका एलसीएम निकालो। कैसे निकालोगे, 60 के फैक्टर कराओ कितना बनेगा, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है, 62 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 31, ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पर 2 की पावर 2 ये मैक्सिमम है, ठीक है, और क्या आएगा 3, और क्या आएगा 5, और क्या आएगा 31, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करा लो, 1860 आ रहा है, ये 1860 क्या आ रहा होगा, सेकंड, क्योंकि 60 क्या था, सेकंड, 62 सेकंड था, तो ये भी सेकंड आ रहा होगा, इस सेकंड को आर में चेंज कर लो, आर में मत करो, पहले मिनट में कर लो, मिनट में कर लो, मिनट में ही दे देंगे इसका आंसर, 60 से डिवाइड कराओ इसको, जीरो से ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 31, इतना क्या मिनट, 31 मिनट आया इसका आंसर, है ना। तो पहले जब वो टुगेदर जब करते थे तो कितना टाइम दिखा रहा था, 10 AM, अब नेक्स्ट जब टुगेदर वो बीप करेंगे तो कितने टाइम हो चुका होगा, 10:31, ठीक है ना, इतना AM आंसर वहां पर आ जाएगा। जी आएगा, ठीक है ना, ओके। तो फिर से देखो, जब भी कभी ये वर्ड आएगा तो सबसे चीज एक ही चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जब बहुत सारे नंबर टुगेदर मिलकर किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर कौन सा नंबर होता है, उन सब का एलसीएम। तो हमने एलसीएम निकाल लिया, ठीक। अब एलसीएम निकालने के बाद मैंने 60 से डिवाइड कर लिया तो सेकंड किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। तो पहले उन्होंने बीप जब किया तब क्या टाइम हो रहा था, 10 AM, तो आप 31 मिनट बाद वो बीप कर रहे हैं तो वो घड़ी कितना दिखा रही होगी बताओ, 10:31, ठीक है ना, इतना टाइम दिखा रही होगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखो, द ट्रैफिक लाइट एट 3 different road crossing चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड, इफ दे ऑल चेंज साइमेंटेनियसली एट 8 AM, ठीक है, देन एट वॉट टाइम दे विल अगेन चेंज साइमेंटेनियसली। अब देखो फिर से एक वर्ड आ गया, अब अगर कोई एक टुगेदर एक साथ कोई काम होने वाला है ना, फिर से टुगेदर अगर टर्म आ जाता है, साइमेंटेनियसली अगर कोई काम हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहे होंगे, क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम या एससीएफ, एलसीएम निकालना पड़ेगा, एक कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा जिसको सब डिवाइड करते हो। तो ठीक है निकालो, क्या क्या नंबर है हमारे पास, 48, 72 एंड 108।
48, 72 and 108, इनके फैक्टर कराओ पहले। 48 इसके फैक्टर कराओ, 2, 12, 6, ठीक है। तो 2 की पावर 4 इंटू 3, फिर 72 के कराओ, 2, 3, 6, 18, फिर 9 और 1, ठीक है। कितना बनेगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, फिर 108 के फैक्टर कराओ, कितना आएगा, 5, 4, ठीक है, 2, 7, फिर इसके बाद 3 से, तो ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। इसका एलसीएम निकालो कितना आएगा, एलसीएम में हाईएस्ट पावर आएगी 2 की कितनी, 2 की पावर 4, और 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 3 की पावर 3, 27। इनका मल्टीप्लाई कराओ, 432, ठीक है। ये 432 क्या आया आंसर, हमारे ये सब नंबर किस में दिए होते, सेकंड में, तो 432 जो आंसर आया ये सेकंड में आया हमारा, ठीक है ना। एट व्हाट टाइम, टाइम पूछा है उसने, तो इस सेकंड को पहले किस में कन्वर्ट कर लेना, मिनट में कर लो, 60 से इसको डिवाइड कराओ, कितना बनेगा देखो, 7 मिनट 12 सेकंड, इतना बन जाएगा, ठीक है। तो पहले कितना टाइम दिखा रहा था वो, 8 AM, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आर्स, और ये हो गया हमारा मिनट, और ये सेकंड, ऐसा टाइम दिखा रहा होगा। क्या आंसर दिया हुआ है इसका, इस तरह से दे रखा, ठीक है, 8, 7, 12, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो एलसीएम वाले समझ में आ रहे हैं कैसे करने हैं, टुगेदर वर्ड, साइमल्टेनियस वर्ड आएगा, तो ये सब कुछ निकालना है एलसीएम इसका। इसी तरह से एक और आसान वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, 6 bell commence टॉलिंग टुगेदर एंड टॉल एट इंटरवल 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट रेस्पेक्टिवली इन 30 hours, हाउ मैनी टाइम्स दे डू दे टॉल टुगेदर। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको फिर से टुगेदर वर्ड दिखाई दिया, जब भी टुगेदर वर्ड दिखाई देगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 34। नंबर कौन कौन से हैं, 2 है मेरे पास, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 6, 8, 10, 12, इनके फैक्टर कराओ, 2 की पावर, तो इनका एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम निकालो इसका, मैक्सिमम पावर 2 की कितनी बन रही है, 2 की पावर 3, ठीक है, इन 2, और क्या आएगा, 5, और क्या आएगा, 3, ठीक है। ये कितना हो गया, 8 और 5 और 3, इनका मल्टीप्लाई करा दो, 120, ये क्या आया, ये हमें नंबर क्या दे रखे थे, मिनट्स में दे रखे थे, 120 क्या आया, मिनट्स, ठीक है। तो 120 मिनट्स का मतलब अगर मैं आर में चेंज करूं इसको, तो ये कितना बनेगा, 2 hours, यानी कि एवरी 2 hour बाद वो क्या करते हैं, क्या ये टॉल करते हैं, ठीक है। तो इन 30 hours में कितनी बार कर चुके होंगे, इन 30 hours, 30 को किससे डिवाइड करा लो, 2 से, तो कितने टाइम्स टॉल कर चुके होंगे, 15, ठीक। अब स्टार्टिंग में जब 0 time था तो सबसे पहले उन्होंने टॉल कर रखा था, है ना, एक बार तो टॉल उन्होंने कर दिया था, अब उसके बाद 30 hours कितनी बार टॉल कर लिया, 15, तो टोटल कितना टॉल होगा, 15 + 1 कितना, 16। ये 1 कौन सा ऐड किया सर, हाँ 30 hours से पहले, जब 0 time था, जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था उससे पहले उन्होंने सबने टुगेदर ही एक बार टोल किया, फिर उसके बाद 30 hours में कितनी बार कर लिया, 15, तो टोटल कितना हो गया, 16 टोल बन जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, इसको नोट कर लो।